नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में ईमानदारी की मिसाल और सादगी भरा जीवन जीने वाले गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का कल लंबी बीमारी के चलते देहांत हो गया। मनोहर पारिकर लंबे समय से पैंक्रियाज कैंसर से पीड़ित थे। आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मनोहर पारिकर के पार्थिव शरीर को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर लाया जाएगा। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। भारतीय राजनीति में मिस्टर क्लीन के रूप में पहचाने जाने वाले मनोहर पारिकर मोदी सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। पारिकर के कार्यकाल में ही भारतीय सेना ने POK में घुसकर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मनोहर पारिकर बेहद ही सादा जीवन जीने के लिए जाने जाते थे। उनकी सादगी का आलम यह था कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी वे अपनी स्कूटी से ही ऑफिस जाया करते थे। मनोहर पारिकर का कहना था कि वह आखिरी सांस तक जनता की सेवा करते रहेंगे और इसी वजह से शरीर में ट्यूब और बैग लगा होने पर भी वे लगातार काम करते रहे। मनोहर पारिकर कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे और वो स्कूल के आखिरी सालों में मुख्य शिक्षक बन गए थे। 1994 में वे पहली बार विधायक बने। जून से नवंबर 1999 तक वे विपक्ष के नेता रहे। मनोहर पारिकर को गोवा के सबसे बड़े राजनेताओं में एक के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए विपिन जोशी की खास रिपोर्ट।